अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम ऑफसेट कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑफसेट कमांड क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। पर्पज़ ऑफ ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड का फंक्शन क्या है और आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डेस्टिनेशन पॉइंट में ऑफसेट कैसे दे सकते हैं। तो ऑफसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त कमांड है। और ये जो ऑफसेट कमांड है, ये बेसिकली आपके कोई भी आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है ऑफसेट। ओके, तो ऑफसेट कमांड कैसे यूज़ होती है, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑफसेट कमांड जो होती है, ये आपके ऑब्जेक्ट को आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट में, आप अगर अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, आप मूव करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो तो एक सही डेस्टिनेशन पॉइंट में, या फिर आप जो उसे डिस्टेंस दें उसी डिस्टेंस पे मूव हो, तो उसके लिए आप ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉपी हो आप उसके लिए ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ऑफसेट कमांड है आपकी ये। अब देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ऑफसेट कमांड, देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप मॉडिफाई में जाएं और मॉडिफाई में आप जाके देखें तो ऑफसेट कमांड मिरर के बाद आपके पास ऑफसेट कमांड है, आप देख सकते हैं। देखें तो ये ऑफसेट कमांड है। ओके, तो इस ऑफसेट कमांड का फंक्शन देखें आप क्या है। ऑफसेट कमांड की शॉर्ट क्या है, ओ एंटर। ओ एंटर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफसेट में मूव हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक लाइन लगाता हूँ, एल इंटर, मैं 10 फुट की एक लाइन लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लाइन जो है मेरे पास, ये नीचे मूव हो जाए 10 फुट में। मैं दोबारा लगाता हूँ, पता नहीं 10 फुट की लगाई भी कि नहीं। एल इंटर, 10 फीट इंटर। ओके, मैं चाहता हूँ अब यहाँ से यहाँ तक एक 10 फुट में ये कॉपी हो जाए लाइन बिल्कुल, तो आप ओ एंटर करेंगे ऑफसेट के लिए। ओ एंटर, 10 फिट एंटर, इसको सिलेक्ट करें और मूव कर दें नीचे, देखें 10 फुट पे आ गया। फिर एल इंटर में कर दो, यहाँ पे एल इंटर, यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ 10 फिट एंटर, तो अब देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 10 फुट के फासले पे मूव हुई थी हमारे पास ये। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे इस कॉर्नर में आ जाए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दी थी वो 10 फिट की थी, तो मैं इसको ऑफसेट दूंगा ओ एंटर 10 फिट, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से मूव करता हूँ, देखें 10 फीट के फासले पे मूव हो गया। अब मैं यहाँ से आप देखें मल्टी ऑफसेट आप ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ ओ एंटर, मैं चाहता हूँ 2 फिट के फासले पे मूव हो जाइए सारे ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ से देखें आप मूव कर सकते हैं सारे सारे को। देखें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को भी इस तरह भी काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ सर्कल पे ऑफसेट अप्लाई होता है कि नहीं, सर्कल है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक 10 फिट का फासला था, तो मैं इसको ओ एंटर करता हूँ, ऑफसेट ओ एंटर 10 फिट। और यहाँ देखिए आप ज़रा 10 फीट के फासले पे क्या हो गया, मूव हो गया। मूव करते हैं देखें, अब इसी तरह रेक्टेंगल है, इसको भी आप मूव करें ओ एंटर 2 फिट एंटर। देखिए बाहर तरफ मूव करते हैं, बाहर तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ करते हैं अंदर तरफ हो जाएगा। देख सकते हैं, तो ये ऑफसेट का फंक्शन है। आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑफसेट के थ्रू आप मूव कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एरिया में आप मूव कर सकते हैं। इसको यहां से यहां पे मूव करने के लिए आप मिरर कमांड यूज करेंगे, वह एम आई एंटर सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, मिड पॉइंट है इसका, देखिए फिर एम आई एंटर,
दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसके मिड पॉइंट से देख सकते हैं। तो ये मिरर कमांड भी है और ऑफसेट कमांड का फंक्शन आपको समझ आ गया कि ऑफसेट कमांड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इन कॉर्नर को आपस में जोड़ने के लिए कमांड यूज़ होती है, वो अलग से कमांड है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आपका ऑफसेट, और आप ऑफसेट कैसे कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक ऑफसेट आप कैसे दे सकते हैं। अगर आपने ऑफसेट में फॉर एग्जाम्पल लाइन देता हूँ एंटर, आप इसे डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं देते, अब मैं वो एंटर करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और अपनी ओर से ले जाता हूँ, या फिर आप ओ एंटर करें अब यहाँ पे देखें, इसमें वो भी कमांड है। अब देखें थ्रो है, एरेज है और लेयर है। अब आप कहते हैं कि थ्रो मेन आपका मूव हो जाए, मूव कर दें आप इसको, देखें अपनी मर्जी उठाएं जहाँ पे मर्जी है आपकी, आप उसे वहाँ पे रख दें इसको। तो ये फंक्शन है थ्रो का। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो, अब मैं ऑफसेट लेयरों में चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, अरेज हो जाए और नेक्स्ट ऑफ ऑफसेट चला जाए, तो उसके लिए आप वो एंटर करें, थ्रो के बाद अरेज क्लिक करें इसको, इसको मैं मूव करता हूँ, यस अरेज यस। देखिए क्लिक करता हूँ, देखिए वहाँ से वो क्या हो गया, अरेज हो गया। हमें जब भी ऑफसेट लूँगा देखिएगा, एन एंटर, जब भी मैं ऑफसेट लूँगा ओ एंटर, 5 फिट एंटर, देखिए वहाँ से वो अरेज हो गया। इसको दोबारा लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको दोबारा लाने के लिए आप ओ एंटर करें और थ्रो अरेज की जगह आप क्या करें, थ्रो, पहले अरेज था आप थ्रो करें, थ्रो अब यहाँ से दें इसको 5 फिट, और देखिए ये थ्रो हो गया। पहले एंटर, वो एंटर, 5 फिट एंटर करें, अब यहाँ से ये हो रहा है। अब इसको आप जब यहाँ से मूव करेंगे, फिर ऑफसेट लेता हूँ वो एंटर, पहले मैंने यस किया था अरेज के लिए, अरेज करें और इसको नो कर दें, नो, अब इसको दें देखें एंटर 3 फुट जितना भी है, अब ये थ्रो भी होगा और ये अरेज नहीं होगा, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो अरेज नहीं होगा, देख सकते हैं। इसी तरह आप ओ एंटर है, अब ये लेयर का फंक्शन है, लेयर अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आप लेयर टू लेयर मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो ये हम बाद में देखेंगे, जब लेयर हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो ये था जी ऑफसेट, जिसमें आप थ्रो भी कर सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एक डिस्टेंस दे के भी आप इसको मूव कर सकते हैं। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस लेसन में बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पर अच्छी तरह से काम कर सकें। इसके अलावा भी हमने इससे पहले जितने लेसन किए उन सब पे आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, ताकि आप सब पे अच्छी तरह से काम कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।